हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक प्लान बनाया है। अब सड़क पर घूमने वाले सांडों के लिए नजबंदी अभियान सरकार चलाएगी। इस संबंध में बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी है। एक रिसर्च के मुताबिक सड़क पर घूम रहे सांड और गायों से जन्म ले रहे बछड़े बछिया की नस्ल में गिरावट आ रही है, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन सियासत के लिए सरकार के ये कदम कुछ और ही है। अब सरकार के इस प्रयास पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ये तंज उन समस्याओं को लेकर है जो यूपी में है। फिर सुस्त अर्थव्यवस्था, उसके प्रभाव से जन्म लेती बेरोजगारी हो या फिर बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिसका शिकार यूपी की जनता बन रही है। सांडों के नसबंदी अभियान पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा जनता बेरोजगारी से त्रस्त। सांडों की नसबंदी के प्लान को लेकर है व्यस्त सरकार। योगी सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्लान क्या बनाया? सड़क पर बेसहारा घूमने वाले सांडों की नसबंदी अभियान चलाने की योजना क्या तैयार की? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक ऐसा मौका मिला, इस मौके ने उन्हें सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार दे दिया। अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ी गाड़ी पर सवाल पूछ दिया, सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य की ओर ध्यान देकर उसमें आई गिरावट पर सवाल पूछ लिया, प्रदेश में खौफनाक रूप में आई बेरोजगारी की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की पुरजोर कोशिश करने लगे। बेधड़क अपने ही बेबाक अंदाज में अपनी चमकती सियासत को लेकर सोशल मीडिया पर आ गए। ट्विटर पर ट्वीट किया, लिखा, प्रदेश की भाजपा सरकार जानवरों की समस्या से निपटने के साथ साथ उन समस्याओं पर भी ध्यान दे जो लगातार घटती जीडीपी, प्रदेश में निवेश की शून्यता और बेरोजगारी से त्रस्त इंसानों के लिए मुंह खोले खड़ी है। ना जाने सत्ता के बदमचूर भाजपा को कब होश आएगा। अखिलेश की इन बातों को सुनकर योगी सरकार क्या कहेगी? अखिलेश के इस चुपते सवाल का क्या सरकार के पास कोई जवाब है? आज नहीं तो कल जवाब तो दे रही होगा। आज नहीं तो कल अखिलेश की तरह जनता भी यही सवाल करेगी, तो सरकार क्या जवाब देगी? जो रोजगार का वादा किया था, क्या वो उन्होंने निभाया? वैसे अखिलेश का ये तंज योगी सरकार की ओर से सांडों के लिए नसबंदी अभियान की तैयारी को लेकर है। सरकार का तर्क है, सड़क पर घूम रहे सांड और गायों से जन्म ले रहे बछड़े बछिया से नस्ल में गिरावट आ रही है और गोवंश की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इस स्थिति से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो खेतों में फसल चौपट होने का मामला हो या फिर सड़क पर दुर्घटना का मामला। हर जगह लोगों को इन आवारा पशुओं से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।